हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जनरल नॉलेज क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 5। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते होंगे और आपको आपकी जनरल नॉलेज को स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल लग रहे होंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का पार्ट नंबर 5। जो आज के क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके होंगे देवी और देवताओं के ऊपर। बच्चों, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन सीरीज़ में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हर तरीके क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद एक एक तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, वो क्या है बच्चों? वह है आपका कि सर्वप्रथम किस देवता की पूजा करने का प्रावधान है। इसका उत्तर होगा गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है। इसका उत्तर होगा सर्वश्री ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि के रचनाकार देवता का नाम, वो होंगे आपके ब्रह्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सृष्टि के पालनकर्ता किन्हें कहा जाता है, वो इसका आंसर क्या होगा? विष्णु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि सृष्टि के संहारक रूप में किस देवता को जाना जाता है, वो होंगे आपके भोलेनाथ, शिव शंकर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिदेव में किसकी पूजा सबसे कम होती है, वो होगा आपका ब्रह्मा जी। आगे बढ़ेंगे, इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है, वो है आपका पुष्कर, राजस्थान में है। आगे बढ़ेंगे, इसमें पूछा गया है भगवान विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा वैष्णव। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवजी के उपासकों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा शैव। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का यह है कि भगवान विष्णु के मुख्यतः कितने अवतार माने गए हैं, इसका आंसर होगा 10 और जो कुल होंगे वो होंगे 24। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और हम इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो सिर्फ इसी होप के साथ ला रहे हैं कि आपको हमारे क्वेश्चंस की हेल्प से आपकी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस हमारी सीरीज़ से जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिल रही है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जल्द से जल्द और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं जनरल नॉलेज के, वो भी लाने का फुल प्रयास करें। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। चलिए बाय बच्चों।